जारी करो, शादी मुबारक के चेक्स जारी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ शादी मुबारक के चेक्स जारी करो, शादी मुबारक जारी करो, ये पूरा ऑडियो पूरा यहाँ पर हम कलेक्टर साहब साहब को भी मिले, ऑडियो मैडम को मिले, सबको रिप्रेजेंटेशन दिए 15 दिन से पूरे बैंक के अंदर चेक्स बन रहे बोलते बोले कल्याणी लक्ष्मी के पूरे कल गुरुटले में बांटे, चुपादंडी में बांटे, जटियाल में बांटे, हमारे साथ पार्शलिटी कई को कर रहे साहब बोलिया, हमारे कई को नहीं दे रहे सीएम साहब, अच्छा उससे गरीबों की मदद करने के वास्ते वो फंड जारी कर रहे हैं, फिर यहाँ पर कई को पार्शलिटी हो रही हमारे साथ, हाँ हम क्या यहाँ पर सेकंड सिटीजन है क्या हम लोग, फिर हमारे साथ कई को हो रहा, पूरे वन ये पूरे आरडी ऑफिस से निकाले सो लिस्ट है, हमारी तरफ से निकाले सो है, और हम लोग 15 दिन से पूरा कर रहे हैं, 15 दिन से आप लोग पूरे कल्याणी लक्ष्मी के पूरे चेक्स बांट रहे, फिर मुसलमानों को नहीं दे रहे खाली चेक्स, फिर कैसा हम लोग शायद हम जब तक हम लोग वो नहीं करेंगे, हमारे को कुछ पक्का एश्योरेंस नहीं रहता कि हम लोग जब तक यहाँ से जाने वाले नहीं है साहब, सीएम साहब 1,30,00,000 के खाली फंड आ गया ट्रेजरी से, बैंक को चले गया, चेक्स बन रहे कलेक्टर साहब बोले चेक्स बन रहे बोले, आज हमने इसी जमान में कई मरतबा नुमाइंदगी होने के बावजूद भी यह काम हमारे चेक्स जारी नहीं किया जा रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे, और मैं बता देना चाह रहा हूँ अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारे चेक्स जारी नहीं किए गए तो हम यहाँ के मिनिस्टर साहब का और जितने भी MLA से उनके घरों का घेराव करेंगे और उनके घरों से उनको निकलने नहीं देंगे, और हम यहाँ पर जब तक हम लोग यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे कि हमारे को कलेक्टर साहब यहाँ पर आके हमको एश्योरेंस देना है कि हमको 1 हफ्ते के अंदर जारी करना चाहिए किया जाएगा, क्योंकि शादी मुबारक के चेक्स सीएम साहब की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है, हम काबिल सताइश करते हैं सीएम साहब का, लेकिन अफसोस है हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है गोपाल ईश्वर साहब भी यहाँ पर भी, और जो MLA से TRS के उसके बावजूद भी वो कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे, मुसलमानों के साथ सिर्फ पार्शलिटी की जा